नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 जून, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इन कामों को निपटाने की आज है आखिरी तारीख। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शानदार जीत। शिक्षकों को हर वित्तीय वर्ष में 6 दिवसीय प्रशिक्षण लेना होगा अनिवार्य। नीट पेपर लीक मामले में अभियुक्तों से पूछताछ के लिए बेऊर जेल पहुंची CBI की टीम। व्हाट्सएप के इस फीचर से अब ग्रुप चैटिंग करना होगा और भी मजेदार। टिकट बुकिंग से लेकर पार्सल शिपमेंट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी IRCTC के इस ऐप पर। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कांस्टेबल के 6000 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। जो लोग पुलिस विभाग में नौकरी करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी कांस्टेबल के 6000 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं या इसके समकक्ष शिक्षा हासिल की हो, साथ ही 10वीं में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। इन कामों को निपटाने की आज है आखिरी तारीख। हर महीने पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई चीजों की डेडलाइन होती है। ऐसे में जून का महीना भी खत्म हो रहा है। ये जरूरी है कि इस महीने के साथ ही हम अपने बचे कुछ महत्वपूर्ण कामों को निपटा लें। इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशक नॉमिनी का नाम ऐड करवाना जरूरी होगा। यदि वे ऐसा नहीं करवाते हैं तो उनका डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। अपने खाता धारकों के लिए कई बैंकों द्वारा स्पेशल FD लॉन्च की जाती है। यदि आप भी स्पेशल FD में निवेश करके ज्यादा लाभ लेना चाह रहे हैं तो ये काम आप 30 जून तक कर लें। तो ये काम आप आज ही कर लें क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। जो बैंक अपने ग्राहकों को इस तरह की सुविधा दे रहा है उसमें इंडियन बैंक है, जो अपने निवेशकों को 7.05% से 8% तक का ब्याज देता है। वहीं पंजाब और सिंध बैंक स्पेशल FD निवेश में अपने ग्राहकों को 7.05% से लेकर 7.25% तक का ब्याज देती है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन एक हिंदी और मैथिली के लेखक और कवि थे। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1911 में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में कई कविता संग्रह, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, कहानी संग्रह, आलेख संग्रह आदि की रचना की। इनकी रचनाओं में लगभग सभी कार्य काफी सराहनीय रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई कविताओं में प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था आखिर ऐसा भी क्या कह दिया हमने, वही निबंध में हिमालय की बेटियां शामिल है। इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें तो उसमें रतिनाथ की चाची बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ और कहानी संग्रह में आसमान में चंदा तैरे आदि शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राजेंद्र शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी के सर्वोच्च फेलोशिप आदि शामिल है। प्रदेश के सभी नगर और ग्राम पंचायतों में बहाल होगी अलग अलग खेलों की सुविधा। बिहार सरकार अलग अलग खेलों की सुविधाएं राज्य के सभी नगर और ग्राम पंचायतों में बहाल करने की तैयारी कर रही है। किस पंचायत में किस खेल की सुविधा बहाल होगी इसका निर्णय स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों की मांग और परिस्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए संबंधित सामग्री और नगद राशि भी देगी। इस संबंध में खेल विभाग ने सभी नगर और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन और मैदान की सुविधा बहाल करने को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार की इन 3 महत्वपूर्ण सड़कों का काम जल्द होगा पूरा। बिहार में अररिया बहादुरगंज, बख्तियारपुर रजौली और आरा मोहनिया, इन 3 अहम सड़क परियोजनाओं का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। इन सड़कों के बनने से आवागमन सुगम होने के साथ ही जाम की समस्या भी खत्म होगी। जल्द ही NHAI की तरफ से इन 3 ही सड़कों के पूरा होने की घोषणा की जा सकती है।
आपको बता दें कि अररिया बहादुरगंज चार लेन सड़क है जो 44.95 किलोमीटर लंबी है। वहीं आरा मोहनिया 60.8 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसका खर्च करीब 984.63 करोड़ है। बात करें बख्तियारपुर रजौली की तो ये 50.89 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसका कुल लागत 2156.22 करोड़ के करीब में आया है। व्हाट्सएप के इस फीचर से अब ग्रुप चैटिंग करना होगा और भी मजेदार। एक बार फिर से व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा को लेकर देखते हुए एक और नया फीचर लेकर आया है। इस फीचर के जरिए ग्रुप चैटिंग करना पहले से और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। WA बीटा इन्फो ने व्हाट्सएप के इस नए फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स चाहे तो ग्रुप चैट में इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट के लिए नाम, डिस्क्रिप्शन, डेट और लोकेशन की डिटेल भी एंटर कर सकते हैं। इस इवेंट के लिए वॉइस या वीडियो कॉल के लिए भी बाकी ग्रुप मेंबर्स को नोटिफाई किया जा सकता है। शिक्षकों को हर वित्तीय वर्ष में 6 दिवसीय प्रशिक्षण लेना होगा अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लेकर एक नया फरमान जारी किया है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को हर वित्तीय वर्ष में 6 दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि ये काम सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत किया जा रहा है। इस बार भी वित्तीय वर्ष में पहले से पांचवी कक्षा के 18,660 शिक्षकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 1 जुलाई से 6 जुलाई तक चलेगा। प्रशिक्षण कार्य प्रदेश के सरकारी अध्यापक शिक्षण महाविद्यालयों में चलेगा। किसानों को नजदीकी प्रखंड कृषि कार्यालय में अनुदानित मरुआ के बीज का मिल रहा लाभ। प्रदेश में मोटे अनाज की पैदावार पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा अनुदानित दाम पर मोटे अनाज के बीज किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बीच खबर है कि मोटे अनाज के तौर पर मरुआ का बीज जिले के हर प्रखंड क्षेत्र में किसानों के बीच वितरित किया जा रहा है। यदि आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इस अनुदानित बीज का लाभ नजदीकी प्रखंड कृषि कार्यालय से ले सकते हैं। यहां प्रत्येक एकड़ के लिए 4 kg मरुआ का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस 4 kg बीज के लिए किसानों को महज 312 रुपए ही देने होंगे। राज्य के 328 CHO को दिए जाएंगे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण। मानसिक स्वास्थ्य पर राज्य के 328 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी CHO को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति और निमहंस ने इस प्रशिक्षण को लेकर करार किया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग राज्य में बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयासरत है। निमहंस 328 CHO को ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण की शुरुआत 2 जुलाई से होगी और ये 19 जुलाई तक चलेगी। पर्यटकों को सुविधा के लिए बांका में मंदार और अंग परिपथ को किया गया विकसित। IPRD बिहार ने जानकारी साझा की है जहां बताया गया कि पर्यटकों की सुविधा के लिए बांका में मंदार एवं अंग परिपथ को स्वदेश दर्शन के तहत विकसित किया गया है। इसमें स्वदेश दर्शन स्कीम 1.0 के तहत पर्यटकों को बेहतर सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि मंदार पर्वत एक पौराणिक स्थल है। इस पर्वत के तलहटी में स्थित पौराणिक अवंतिका नाथ मंदिर का विकास कार्य संपन्न हुआ है। वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए शौचालय, पेयजल सुविधा और गजीबों का निर्माण किया गया है। मालूम हो कि मंदार पर्वत से समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ था। यहाँ मंदार पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित कामधेनु मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य संपन्न हुआ है। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित शिव गंगा तालाब का विकास कार्य, गजीबो और पाथवे का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मंदार पहाड़ी के तलहटी में आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज का निर्माण हुआ है जिसमें दुकान, वर्कशॉप, कैफेटेरिया आदि का निर्माण किया गया है। टिकट बुकिंग से लेकर पार्सल शिपमेंट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी IRCTC के इस ऐप पर। IRCTC अपने मोबाइल ऐप का नया अवतार लॉन्च करने जा रही है जो IRCTC सुपर ऐप है। इस ऐप के जरिए यात्री टिकट बुकिंग से लेकर पार्सल शिपमेंट बुकिंग तक भी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से ले सकेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक IRCTC का सुपर ऐप रेलवे ने 100 दिन के एक्शन प्लान में शामिल किया है। फिलहाल ऐप कब लॉन्च होगी इसकी कोई संभावित तिथि तो सामने नहीं आई है, लेकिन इसी साल इस ऐप के लॉन्च होने की चर्चा की जा रही है। इस ऐप पर रिजर्व और अनरिजर्व टिकट बुकिंग से लेकर टूर पैकेज बुकिंग, कैब बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग से लेकर खाने तक का ऑर्डर किया जा सकता है।
नया आपराधिक कानून को लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण के बाद फीडबैक लेने पहुंचे आईजी शिवदीप लांडे। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इस कानून के लागू होने से पहले जिले के थानेदारों और पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। अब इसी बीच तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे इस ट्रेनिंग का फीडबैक लेने सीतामढ़ी पहुंचे। यहां उन्हें कलेक्ट्रेट में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद परिचर्चा भवन में जिले के थानेदारों के साथ आईजी और एसपी मनोज कुमार तिवारी ने अलग अलग बैठक की। फिर आईपीसी और सीआरपीसी में होने वाले बदलाव को लेकर दिए गए ट्रेनिंग के बाद इसे थाना स्तर पर लागू करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसका थानेदारों से फीडबैक लिया गया। नीट पेपर लीक मामले में अभियुक्तों से पूछताछ के लिए बेऊर जेल पहुंची सीबीआई की टीम। नीट पेपर लीक मामले में गठित हुई सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम संदिग्ध और मामले में लिप्त आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। सीबीआई इस पूछताछ के जरिए सबूत तलाशने की कोशिश कर रही। इस पूछताछ के लिए बीते दिन सीबीआई बेऊर केंद्रीय कारा में पहुंची, जहां गिरफ्तार किए गए 13 अभियुक्तों से पूछताछ देखने को मिली है। गिरफ्तार हुए इन 13 अभियुक्तों में सिकंदर यादवेंदु और 4 अभ्यर्थी व उनके परिजन शामिल थे। वहीं इस मामले में सीबीआई की दूसरी टीम 7 अभियुक्तों से पूछताछ करने में लगी है। इन 7 अभियुक्तों में चिंटू, मुकेश, मनीष और आशुतोष शामिल है। इनके अलावे 3 हजारीबाग से लाए गए अभियुक्त है, जिसमे ओएसीएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और अन्य अभियुक्त शामिल है। जियो और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन और आइडिया भी अपने ग्राहकों को देगा झटका। जियो और एयरटेल ने ग्राहकों को झटका देते हुए अपने रिचार्ज की कीमत बढ़ा दी है। इन टेलीकॉम कंपनियों के बाद अब वोडाफोन आइडिया भी अपने ग्राहकों को रिचार्ज प्लान्स की कीमत बढ़ाकर झटका देने की तैयारी कर रहा है। इनकी नई कीमतें 4 जुलाई से लागू हो जाएंगी। टेलीकॉम कंपनी ने अपने नए आधिकारिक बयान के जरिए भी कहा है कि 4 जुलाई से सभी सर्विस चार्ज बढ़ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 से 24 फीसदी तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। क्या ट्रैफिक पुलिस को आपकी बाइक या गाड़ी से चाबी निकालने का होता है अधिकार? सड़क पर चलते समय हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करें तो उसके लिए चालान भी कट सकते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाहनों को रोकने के लिए गाड़ी या बाइक की चाबी निकाल लेती है। ऐसे में क्या ट्रैफिक पुलिस को आपके गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार है या नहीं, ये हमें पता ही नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी या बाइक की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। यदि ट्रैफिक पुलिस आपके साथ ऐसा करती है तो आप इसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको भी कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यदि आपको ट्रैफिक पुलिस रुकने के लिए कहे और जरूरी दस्तावेज दिखाने को कहे तो आप भी कानून का पालन करते हुए ट्रैफिक पुलिस का कहा मान लें। ट्रैफिक पुलिस से बेवजह बहसबाजी करने से बचें। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के सदस्यों को दी खुशखबरी। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 में संशोधन किया है, जिसमें 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए निकासी लाभ की घोषणा की गई है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक इस संशोधन से 7 लाख से भी अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ मिलेगा, जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के साथ योजना छोड़ देते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा तालिका डी को भी संशोधित किया गया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि सदस्यों को निकासी लाभ की गणना करते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने में विचार किया जाता है। दक्षिण पश्चिम बिहार में मेघ गर्जन को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश के कई इलाकों में अब बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बिहार में हो रहे बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया है। बारिश के मौसम के शुरू होने के साथ ही लोग उमस भरी गर्मी से भी परेशान हैं। आज प्रदेश में अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। आज पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में शूद्र ग्रह पर होगी प्रस्तुति। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे के उपलक्ष्य में पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एस्ट्रॉइड से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन 30 जून और 1 जुलाई को होगा। 30 जून यानी आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में एस्ट्रो फोटोग्राफी वर्कशॉप और स्टेल रियम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्काई ऑब्जर्वेशन पर वर्कशॉप के माध्यम से शूद्र ग्रह पर प्रस्तुति होगी। इस वर्कशॉप में क्लास 10th 12th ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे भी भाग ले सकते हैं।
बिहार विधानसभा में 23 समितियों का हुआ गठन, विपक्षी नेताओं को भी मिली जगह। बिहार विधानसभा में 23 समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में सत्ता दल के विधायकों के साथ विपक्षी दल के विधायकों को भी जगह दी गई है। वहीं इन समितियों के सभापति और प्रमुख को बिहार विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव द्वारा मनोनीत किया गया है। इन समितियों में से एक नियम विशेषाधिकारी और सामान्य परियोजन समिति के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव स्वयं होंगे। वहीं लोक लेखा समिति के सभापति मनेर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र को बनाया गया है। जदयू की कार्यकारिणी बैठक में केंद्र सरकार से इन चीजों की हुई मांग। बीते दिन दिल्ली में जदयू कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश ने की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कई बड़ी मांग रखी है। इसमें सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का या स्पेशल पैकेज देने की मांग है। इस संबंध में बैठक के दौरान प्रस्ताव को भी पारित किया गया है। वहीं इस बैठक में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी चर्चा हुई है। पारित हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि ये कोटा संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे इसे ज्यूडिशियल स्क्रूटनी से बचाया जा सके और इसे लागू करने में भी कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा बैठक में नीट पेपर लीक की भी चर्चा हुई है, जहां कहा गया है कि इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए, छात्रों का विश्वास बना रहे, इसलिए परीक्षा पूरी निष्पक्षता से होनी चाहिए। जदयू के इस कार्यकारिणी बैठक में नीतीश कुमार के अलावा जदयू के कई बड़े वरिष्ठ नेता जैसे ललन सिंह, केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी आदि शामिल थे। देश में लगे आपातकाल की बरसी पर लालू यादव ने बीजेपी नेताओं को दिया जवाब। आपातकाल की बरसी पर लालू यादव ने बीजेपी नेताओं को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी के समय वो जयप्रकाश नारायण से जुड़े थे। उस समय वे 15 महीने मिसा एक्ट के तहत जेल गए, मगर उस समय वे बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बारे में जानते तक नहीं थे जो आपातकाल पर बोल रहे हों। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्रियों का नाम भी उन्होंने या उनके साथियों ने नहीं सुना था, जो आज हमें आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, तब जेपी के साथ लालू भी उन नेताओं में से थे जिन्हें देश के लगे इमरजेंसी के विरोध में जेल जाना पड़ा था। शहनवाज हुसैन ने जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में नीतीश कुमार को लेकर कही ये बात। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार और जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक से एनडीए और मजबूत होगा। नीतीश जी बिहार में इसके मुखिया हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की कार्यशैली पर उठ रही उंगली पर उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जब से बीजेपी में लगातार आए हैं, तब से बीजेपी को मजबूत करने का काम किया है। इस चुनाव में भी उन्होंने काफी मेहनत किया है। एनडीए को 75% सीटों पर जीत दिलाई है। किन्हीं कारणों से कहीं कहीं असफलता मिली है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शानदार जीत। जिस ट्रॉफी का सालों से इंतजार था, आज वो ट्रॉफी भारत के हिस्से आ चुकी है। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किए। फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी की। इस दौरान भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए हैं, जिसमें विराट ने 59 गेंद पे 76 रन बनाए और अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी की। वहीं साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 169 रन बनाए। आपको बता दें कि भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का मैच जीता है। 2007 में पहली बार भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप T20 का मैच अपने नाम किया था। इस मैच को जीतने के साथ ही भारत तीसरी टीम बन गई है जिसने T20 का खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। उससे पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ये काम कर चुके हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1855 में बंगाल के भोगनादिघी में सशस्त्र संथालों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। आज के दिन वर्ष 1914 में महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा हुई थी। आज के दिन वर्ष 2008 में रविकांत उमा शंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया।
आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री कुकिंग स्टोव योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के मुताबिक फ्री कुकिंग स्टोव योजना के तहत सभी महिलाओं को सरकार फ्री में सोलर स्टोव देगी, जिसकी 10 साल की गारंटी होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। इस योजना के तहत तरह के फर्जी खबरों पर विश्वास करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24 जून, ऑप्शन बी 26 जून, ऑप्शन सी 25 जून, ऑप्शन डी 28 जून। इसका सही उत्तर है 26 जून। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है असम। हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन ए है मिताली राज, ऑप्शन बी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन डी है जया सिंह। इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना। बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्रा। बिहार में आने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन ए ह्वेन सांग, ऑप्शन बी है फाहयान, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है इत सिंह। इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उनके नाम है मुकेश कुमार, राजकिशोर महतो, सादुल्ला पालवी, विकास दास, शिव कुमार गुप्ता, रूपेश कुमार आजमा, फिरदोस, मंटू कुमार, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, छोटू राजा, नुनू गोलू कुमार, रामनवमी स्वामी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल के राज का सवाल है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिए जाने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।